गुड इवनिंग गाइस, सबको राम राम और वेलकम है आपका ऋषि फिटनेस में। और आज हम ट्राइसेप्स एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ये पहली एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं डायमंड पुशअप्स। ये आप सबको पता है, इसके हमें 3 सेट लेने हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बॉडी वेट ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों हाथ जमीन पर रख के और एल्बो को हमें जमीन पर टच करना है। ये बड़ी हार्ड एक्सरसाइज है, जिससे होती हो वो करें, ना होती हो तो कोशिश ज़रूर करें। और इसके भी हमें 3 सेट लेने हैं। ये भी फिजिकल एक्सरसाइज है घर के लिए। और तीसरी एक्सरसाइज भी घर वाली है, कोई भी चेयर ले लें, डी शेप में आए और अपने ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना है। ये जो दो पहले एक्सरसाइज थी, डायमंड पुशअप्स और बॉडी वेट वाली, ये उससे थोड़ी सी हार्डर है, पर हमें ये भी करनी बहुत ज़रूरी है। मैं सारी आपको घर वाली एक्सरसाइज बताऊंगा। अब हमारी 4th एक्सरसाइज आती है, लेइंग बारबेल एक्सटेंशन। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करके मुझे बहुत मज़ा आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिम से भी अच्छा लग रहा है। अपना जो डबल बेड है या सिंगल बेड है, उस पर आप लेटे कॉर्नर पे, और आपका जो हेड है वो थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, ताकि आपकी जो रोड है वो नीचे तक आराम से जा सके। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिम से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे ये एक्सरसाइज लगी। और ये बेड पे इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आपको एक कंफर्टेबल फील हो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि ये हमें कहाँ करनी है, टेबल ढूंढना है वगैरह वगैरह। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें भी आप वेट बढ़ाते जाइए, और इसके आपको 4 सेट लेने हैं। जो फिजिकल वाली एक्सरसाइज थी उसमें 3-3 सेट, इसमें आपको 4 सेट लेने हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेइंग डंबल एक्सटेंशन। ये सेम एक्सरसाइज है जो हम बारबेल से कर रहे थे, ये हमें डंबल से करनी है। पर इसमें क्या करना है, हमें ट्राइसेप्स को ज़्यादा स्क्वीज करना है। स्क्वीज हम करेंगे ट्राइसेप्स को, तभी असर करेगी। और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप डंबल ट्राइसेप्स प्रेस। इसमें हमें क्या करना है कि अपनी लोअर चेस्ट पे या मिडल चेस्ट में हमें डंबल को ले जाना है और स्क्वीज करना है ट्राइसेप्स की तरफ से, ट्राइसेप्स पे फोकस करना है हमें। और लास्ट मेरी फेवरेट, सीटेड डंबल ओवरहेड। दोस्तों, ये हमें ज़रूर करनी है, सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज ट्राइसेप्स में यही है, और मेरी तो ये फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आराम से हो जाती है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि ये वैसे स्टैंडिंग भी हो जाती है, पर सीटेड बहुत बढ़िया है। सीटेड से इंजरी नहीं होती है, कभी नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो बैक है उसको सपोर्ट मिल जाती है। तो यही वाली एक्सरसाइज आप घर पे करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब